सपा और महान दल में हो गया पैचअप। सपा ने एक सीट देने का किया ऐलान तो फिर केशव देव मौर्य ने ऐसे कहा शुक्रिया। 2022 विधानसभा चुनाव में सपा के साथ महान दल बिना शर्त आया था, लेकिन बाद में टूट गया था रिश्ता। अब एक बार फिर दोस्ती का धागा जुड़ गया। पिछले लंबे वक्त से केशव देव मौर्य कर रहे थे अखिलेश यादव की तारीफ, अब सपा चीफ ने इस सीट को महान दल के लिए छोड़ा। केशव देव मौर्य को एक बार फिर सपा की तरफ से इनाम मिला है। अखिलेश यादव के प्रति जो प्यार केशव देव दिखा रहे थे उसका तोहफा अब सपा चीफ ने दिया है, और एक बार फिर आगामी चुनाव के लिए केशव देव मौर्य की महान दल के लिए अखिलेश यादव ने दरियादिली दिखाई है और गठबंधन का रिश्ता जोड़ दिया है। खुद महान दल चीफ केशव देव मौर्य ने इसकी जानकारी साझा की और अखिलेश यादव का शुक्रिया अदा करते हुए जो कुछ कहा उसने तो हल्ला मचा दिया। पहले ही महान दल सपा की तारीफ और विरोधियों की लंका लगाने का काम करता रहा है, और जातिगत जनगणना का मुद्दा हो या फिर देवरिया कांड, हर मामले में केशव देव मौर्य अखिलेश यादव और सपा के साथ दिखे। ऐसे में अब मध्य प्रदेश चुनाव में सपा ने महान दल के लिए एक सीट को छोड़ा है, और जैसे ही ये जानकारी केशव देव मौर्य को मिली तो उन्होंने तुरंत अखिलेश यादव का शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पर केशव देव मौर्य ने एक पोस्ट किया और लिखा कि मध्य प्रदेश चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और महान दल के बीच में चुनावी गठबंधन हो गया है। महान दल परिवार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी का दिल से आभार व्यक्त करता है। जानकारी की माने तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा लगातार विरोधियों के खिलाफ हल्ला बोल कर रही है और सपा की तरफ से लगातार उम्मीदवारों का ऐलान किया जा रहा है। ऐसे में सपा की तरफ से जिस पृथ्वीपुर सीट पर पूर्व विधायक की बेटी को मैदान में उतारने का ऐलान किया गया था उस सीट को महान दल के लिए छोड़ दिया गया है। महान दल और सपा के इस गठबंधन की जानकारी जैसे ही कांग्रेस और बीजेपी को मिली तो खलबली मच गई। सपा ने पृथ्वीपुर सीट को महान दल के लिए छोड़ दिया है और महान दल ने यहां से दावेदारी करने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। वैसे तो महान दल ने मध्य प्रदेश में 12 सीटों पर दावा किया था, लेकिन फिलहाल पृथ्वीपुर, सबलगढ़, टीकमगढ़ और मुरैना सीट पर सहमति बन गई है। मध्य प्रदेश की सियासत में लगातार उलटफेर देखने को मिल रहा है। उम्मीद थी कि सपा और कांग्रेस पार्टी साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि दोनों ही पार्टियां इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि दोनों पार्टियां साथ में रहेंगी, लेकिन जब कांग्रेस ने सपा से मुंह फेरा तो फिर सपा ने भी कांग्रेस के खिलाफ अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया और मध्य प्रदेश की सियासत में आर या पार की जंग पर उतर आई। सपा की तरफ से लगातार उम्मीदवारों का ऐलान किया जा रहा था। ऐसे में अब महान दल के सपा के साथ आने से सियासत में सपा थोड़ी मजबूत हुई है और सपा को लगता है कि इस बार वो निर्णायक स्थिति में जरूर रहेगी। मध्य प्रदेश की सियासत में किंग मेकर की भूमिका में सपा रहेगी, ऐसी सपा की कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।